Subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I am online. Hey guys, recently एक बहुत ही प्यारा सा फोन OnePlus ने निकाला है, जो है ये, which is OnePlus 7T. देखते हैं कि ये फोन में ऐसा क्या है जो इसको एक गेमिंग फोन बना देता है, एक सुपर पावरफुल फोन बना देता है. देखते हैं कि ऐसा क्या डाला है इस फोन के अंदर OnePlus ने. So guys, इस वीडियो में मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा क्या क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स है, वो बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में. साथ में अनबॉक्सिंग भी करने वाला हूँ और इसका 1 वीक के बाद का जो यूसेज है, ये फोन कैसा है, उसका फीडबैक भी देने वाला हूँ, जो कि बहुत सारी चीजें आपको किसी वीडियो में नहीं देखने को मिली होंगी यूट्यूब पे. सो चलो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में. सो गाइज, दिस इज वारन एंड आई वेलकम यू ऑल इन द 101st एपिसोड ऑफ ट्यूजडे टॉक्स. तो गाइस, OnePlus ने रिसेंटली एक फोन निकाला है विच इज OnePlus 7T. बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ इसको पैकअप करा है और इसका बॉक्स का जो डिजाइन है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है OnePlus ने. बिल्कुल बढ़िया प्यारा सा रेड कलर का बॉक्स है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है. OnePlus के यूजुअली बॉक्स ऐसे नहीं आते थे, बहुत बड़ा बॉक्स है, पहले बहुत छोटे आते थे. तो चलो देखते हैं सबसे पहले अनबॉक्स करके कि इस फोन में OnePlus ने इतना बड़ा डब्बा दिया क्यों है, ऐसा क्या है अंदर. So guys, this is the OnePlus 7T. This is the new phone. It's a red box. It's a very big box. Let's see what's written here. This is 8GB RAM, 256GB ROM variant. Let's unbox and let's see what we get inside. Boom. So here we have OnePlus written, and actually this was opened earlier to just check, and now we are doing the unboxing. Here is some paperwork I must see. Yeah. So this is the new phone. It's a blue color variant, looking beautiful. Let's keep this aside. So this is the SIM ejector. Here we get a cover. So this is the type C. Here is the warp charge. So let's keep all these things aside and let's see the phone. So let's take this out. So this is the phone. It looks superb. Yeah, there's a triple camera on the back. And over here there's a volume rocker, secondary mic. There's a slider over here to put your phone to silent mode, ringer mode, and no 3.5mm jack. Here is the type C and speaker grill. This is also speaker grill. Let's boot this. Actually, all the setup has been completed, so the phone will just start. Wow, so this is a very beautiful display. It has a very small notch. This comes up with Android 10, so the phone looks amazing. So let's see about the features of this phone and let's go there. So guys, जैसा कि आपने box में देखा, this is the OnePlus phone. This is in blue color, which is a very beautiful color. ये 8GB variant है, 256GB data storage है इसके अंदर. And जो processor इसमें है, वो है Snapdragon 855 Plus. So 855 छः महीने पहले आया था एंड अब 855 प्लस आ गया है. तो बहुत सारे एडिशंस करे हैं इसको, 4% से एंड 10% से इसकी जो पावर उसको बढ़ा दिया है कंपनी ने. और दिखते हैं कि ये फ़ोन कैसे एफिशिएंटली काम करता है. सो अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ सबसे पहले, कि जो आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा कि ऐसा क्या है इस फ़ोन के अंदर जो आपको इसको लेना चाहिए. सो गाइस, द फर्स्ट थिंग इज कि आप जब जैसे ये फ़ोन खरीदें, आपको इस फ़ोन की बैटरी फुल ड्रेन आउट करनी है, वापस से चार्ज करनी है, फिर ड्रेन आउट करनी है, फिर चार्ज करनी है. ऐसा नहीं कि बैटरी 30-40% बची है और आपने इसको चार्ज पे लगा दिया, बिकॉज दिस पीस हैज 30T वॉप चार्ज. वॉप चार्ज इज अ वेरी फास्ट चार्ज, विच इज 20% मोर एफिशिएंट देन OnePlus का पुराना वाला जो चार्जर था. 20-30% मोर एफिशिएंट है
वन प्लस 30 वॉट के जो वॉप चार्ज था उससे दिस इज 30T वॉप चार्ज, सो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके साथ में आपको ये ड्रेन आउट इसलिए करना है क्योंकि यूजुअली जब फ़ोन मैन्युफैक्चर होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं बहुत टाइम के लिए, उसमें एक ही जितनी एक स्पेसिफिक बैटरी रहती है उसके बाद वो स्टोर्ड हो जाता है। सो आपको इस फ़ोन को फुल ड्रेन आउट करके फिर चार्ज करना है, उससे आपकी जो बैटरी है वो 25% मोर एफिशिएंट हो जाएगी, 25% मोर चलेगी, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी, बिकॉज मैंने ये चीज़ करी और मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग बातें कर रहे थे कि बैटरी इतनी चलती है उतनी चलती है, लेकिन मेरे को उनको गलत प्रूफ करने में बड़ा मज़ा आता है। सो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आप 2-3 बार इसको फुल ड्रेन आउट करके फिर चार्ज पे लगाएं। ये फ़ोन 0-70 to 75% चार्ज सिर्फ 30 मिनट्स में हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड, एंड उसके बाद एकदम स्लो नहीं होता है, एकदम भी गिर नहीं जाती इसकी स्पीड, नॉर्मल स्पीड में चलता रहता है एंड आपका फुल फोन 1 घंटे या 1 घंटे 5 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा, बचे हुए 30% भी ये जल्दी चार्ज कर देगा। सो इसमें वो एक एडिशन बेनिफिट है जो आपको पुराने वन प्लस के फ़ोन में नहीं मिलेगा या आजकल तो दूसरे जो फ़ोन आ रहे हैं, इनफैक्ट आईफोन में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि इतना फास्ट चार्जर उसका भी हो, उसका भी स्लो चार्जर है। 3800 mAh की इसकी बैटरी है एंड उस हिसाब से इसका चार्जर बहुत ही एफिशिएंट है। टाइप सी के साथ वन प्लस इसको देता है, विच इज़ अगेन अ वेरी एफिशिएंट थिंग। अब बैटरी की बात कर रहे हैं तो बैटरी से क्या डायरेक्टली रिलेशन है, विच इज स्क्रीन। इसमें स्क्रीन है दैट्स फ्लूइड एमोलेड, विच इज एन एमोलेड LED स्क्रीन। उसमें बेनिफिट ये होता है कि जब आप इसको कोई भी ब्लैक सरफेस या ब्लैक वॉलपेपर या ब्लैक थीम में देखते हैं या कहीं पर भी ब्लैक पिक्सल्स आते हैं, वहाँ पे पिक्सल नहीं होता है, वहाँ पे इट्स स्क्रीन इटसेल्फ, वहाँ पे कोई भी पिक्सल फाउंड नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ मोर ब्लैक मोर डार्क इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फोन जिसमें एमोलेड नहीं होती है। सो उसकी वजह से वहाँ पे पिक्सल नहीं है तो वहाँ पे फ़ोन को कुछ डिस्प्ले भी नहीं करना है, दैट्स अ डेड थिंग। सो उस वजह से आपके फ़ोन की बैटरी 20% तक ज़्यादा चलती है, 20% तक मोर एफिशिएंटली वर्क करती है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आप इसमें फ़ोन ले रहे हैं तो कोशिश करो, इसका बहुत ही प्यारा सा थीम है, डार्क थीम है, वो आप इसमें एक्टिवेट कर लें। सो गाइस इसमें आपको वो जो मोड है वो देखने को मिलता है। फटाफट चलते हैं सेटिंग्स में, फ़ोन की कस्टमाइजेशन में जाते हैं एंड कस्टमाइजेशन में आपको प्रीसेट थीम में मिलेगा न्यूएंस डार्क। न्यूएंस डार्क इज अ वेरी गुड मोड एंड बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया लगता है। सो ये आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये हो गई स्क्रीन की बात, की स्क्रीन तो इसकी बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है और बहुत ही बढ़िया दिखता है ये फ़ोन। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे। दिस हैज़ अ डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड जिसमें आपको टॉप पे भी स्पीकर मिलेगा एंड आपको नीचे भी स्पीकर मिलेगा, जिससे ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बोल्ड सराउंड साउंड का फील देता है। साउंड सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें सराउंड साउंड कितना अच्छा है और कितना एफिशिएंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमोलेड में जो ब्लैक पिक्सल्स नहीं होते हैं उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर रहता है वहाँ पिक्सल्स नहीं होते हैं, सो उसकी वजह से ये जो स्क्रीन है बहुत बैटरी तो बचाती है लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा विविड है। इट हैज़ वेरी गुड ब्राइट कलर विच इज़ वेरी गुड। ऑल्सो वन प्लस ने स्क्रीन में ऐसी चीज़ करी है कि 40% तक ये ब्लू रे फिल्टर कर देता है फ़ोन जब आप फ़ोन को चलाते हैं, इसमें उतने ब्लू रे लाइट्स नहीं आती हैं, उस वजह से आपकी आईज में अफेक्ट नहीं होता है। दिस इज़ द थिंग वन प्लस ने अपने लॉन्च इवेंट में भी बोली थी एंड ये बहुत ही बढ़िया चीज़ वन प्लस ने निकाली है कि आजकल आप डिजिटलाइजेशन में इतना ही देर तक आप फ़ोन चलाते रहते हैं सो आपकी आँखों को भी तो बचाना है। सो वन प्लस ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। साथ ही साथ में इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट है तो आप कोई भी गेम खेल लो ये लैग नहीं करने वाला। आप कितनी भी स्पीड में ऐप्स चेंज कर लो, आप कितनी भी मल्टीटास्किंग कर लो या आप कितनी भी गैलरी में स्क्रॉल कर लो चीज़ें, ये बिल्कुल भी लैग नहीं करने वाला है।
और भी फोन आता है, एक दो फोन और में आता है 90 Hz रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट चीज जिसकी बात करूंगा वो है कि वन प्लस ने जेस्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे रखे हैं। जो जेस्चर्स आपको फील देते हैं वो इतना प्यारा फील देते हैं कि आप बस नीचे से ऊपर स्क्रॉल करें एंड आपका काम हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करना है, होम स्क्रीन पे आना है, जो जेस्चर वर्किंग इज वेरी गुड। इतना प्यारा कस्टमाइजेशन वन प्लस ने उस पर करके रखा है कि यू विल जस्ट एंजॉय इट। इट्स वेरी स्मूथ, 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ इतना स्मूथ चलेगा, इट्स लाइक इट विल जस्ट फ्लो ओवर देयर। सो जेस्चर्स आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब जेस्चर्स की बात कर लिए तो सेंसर की भी बात कर लेते हैं। दिस has an in-display fingerprint scanner. When you tap the fingerprint scanner, automatically activates an app. बस उंगली रखेनी की खुल जाता है. This is very fast. And जो face unlock है, that's also pretty neat. आप जब फोन में देख रहे होते हैं, जैसे कि ये फोन ओपन है, अब नहीं खुलेगा, जैसे ही मैं यहाँ देखूंगा फोन ओपन हो जाएगा. ये फोन है, अभी नहीं खुला है, जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा फेस लेके आऊंगा, इट ऑटोमेटिकली गेट्स ओपन. ये देखिए, सो इट इज़ प्रिटी फास्ट। एंड ऐसा नहीं है कि ये सेफ्टी वाइज सही नहीं है, जब आप फेस कैमरा के सामने लेके जाते हैं तभी ये अनलॉक होता है। गाइज, वन प्लस ने अपना ऑक्सीजन OS बनाया है एंड वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसमें बिल्कुल भी ब्लोटवेयर नहीं है और एड्स बिल्कुल भी नहीं आती। तो जिन जिन फ़ोनों में आपको एक्सेसिव चीज़ें डाल के दे देते हैं और स्टोरेज आपका ख़त्म कर देते हैं ना, अलग अलग ऐप्स डाल के, ब्लोटवेयर डाल के, और जो आपको स्पीड नहीं मिलती है फिर फ़ोन में, ऐसा बिल्कुल भी वन प्लस के साथ नहीं होने वाला है। कुछ भी ब्लोटवेयर नहीं है और एड्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं फ़ोन में, इट्स टोटली ब्लॉकेज। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। बहुत स्लीक डिज़ाइन है, स्क्रीन में आगे गोरिल्ला ग्लास 6 दिया है प्रोटेक्शन एंड पीछे गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन दी है। द फोन लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब पीछे की बात करी रहे तो कैमरा की भी बात कर लेते हैं। दिस हैज ट्रिपल कैमरा विथ फ्लैश। ट्रिपल कैमरा में इट हैज 48 megapixel कैमरा, 16 megapixel कैमरा एंड 12 megapixel कैमरा, जिसमें टेलीफोटो है, जिसमें आप जूम कर सकते हैं टेलीफोटो में, आप मैक्रो भी शूट कर सकते हैं उसी के थ्रू, और साथ में इसमें वाइड एंगल लेंस है और नॉर्मल लेंस है, विच इज़ द नॉर्मल थिंग। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करता है। कुछ सैम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे विविड कलर्स हैं, बहुत ही बढ़िया उसने वन प्लस ने रिजल्ट निकाला है। एंड लो लाइट में इसमें नाइटस्केप मोड है एंड पोर्ट्रेट मोड भी है, तो लो लाइट में भी आप बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी लो लाइट में। सो गाइस, अब कर लेते हैं बात इस फोन के नॉच की। इस फोन का जो नॉच है, जो ड्यू ड्रॉप नॉच है, उसको वन प्लस ने छोटा कर दिया है एंड उसकी वजह से ये 30% से 32% तक उसको छोटा करा है, जिस वजह से आपको स्क्रीन ज़्यादा मिलती है, विच गिव्स यू 20:9 का रेशियो। दैट्स प्रिटी गुड एंड प्रिटी अमेजिंग। एंड जो वीडियो क्वालिटी है इस फोन की, जब आप वीडियोज प्ले करेंगे, इट हैज़ एन एनहांसर वीडियो एनहांसर मोड। आप उसको ऑन कर दोगे वीडियोज तो इतनी बढ़िया लगेंगे आपको इस फोन पे कि आप कोई और फोन की तरफ जाओगे ही नहीं। इतना बढ़िया डिस्प्ले आपको मिलता है वीडियोज के लिए। ये बात आप बिल्कुल खुद जब फोन लेंगे या देख रहे हो तो आप बिल्कुल जाकर देखो, स्टोर पे जाके देखो एंड वीडियो चला के जरूर देखना, ताकि साउंड क्वालिटी का भी आपको पता पड़ जाए। वीडियो की बात करी ली है तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलाईजेशन। फोन में बहुत अच्छा वीडियो स्टेबिलाईजेशन है। तो अगर आप व्लॉगर हैं और आप व्लॉग करना चाहते हैं, सो दिस इज एन अमेजिंग सेट फॉर यू, कि आपको स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा में दोनों में मिलता है, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको बिल्कुल लगेगा कि आप एक गिम्बल पकड़ के फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हो। सो इट हैज़ दैट लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन जो कि बहुत अच्छा है एंड यू विल फील रियली गुड। फोटोग्राफ्स तो वन प्लस के अच्छे आते ही हैं, वीडियो में भी वन प्लस ने इस बार बहुत चीज़ें करी हैं। इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आप मॉल में गए हो, अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, फिर आप जब वापस जाते हो मॉल से निकल के, तो आपको अपनी गाड़ी नहीं मिलती है। आप ढूंढते रहते हो कि यार मैंने पार्क किधर कर दी थी अपनी गाड़ी। सो दिस हैज़ अ ट्रैकर टू, कि ये आपकी गाड़ी भी ट्रैक करके देगा एग्जैक्ट लोकेशन पे कि आपने कहाँ पे गाड़ी को पार्क किया था। आपको वो चीज़ ऑन कर लेनी है बस, और कुछ नहीं। साथ ही साथ में आपको लाइव मैच के अपडेट्स भी ये फ़ोन देता रहता है। दिस हैज एन इंडियन वेरिएंट, सो आपको चीज़ें मिलती रहेगी, आपको बस ऑन करना है वो मोड और आपको सारे लाइव मैचेस जो भी चल रहे होंगे, आपको टीम सेलेक्ट कर लिए जो जो आपकी फेवरेट है, बैंग ऑन
आपको उसके स्कोर्स मिलते रहेंगे। गाइस वनप्लस ने इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा अच्छा करा है। आप बिल्कुल फोन दिन भर चलाते हो, हाथ में पकड़ते हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी है। 182 ग्राम्स का फोन है विच इज प्रीटी गुड, एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, आपको हाथ में लगता ही नहीं है कि 182 ग्राम्स का है। सो दिस इज अगेन अ प्लस पॉइंट। पीछे आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है तो आप जो ग्रिप है आपकी वो बहुत अच्छी बनेगी फोन के साथ। सो गाइज ये थे कुछ ऐसी बातें OnePlus के बारे में। आगे आने वाला हूँ मैं एक और वीडियो लेके जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि OnePlus के जो 70 फोन है इसमें ऐसे क्या फीचर्स है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, एंड सम मस्ट हैव एप्लीकेशंस फॉर दिस डिवाइस कमिंग अप विद दैट वीडियो सून। सो गाइस आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो। दिस इज वन अलिलानी साइनिंग ऑफ।